पूरा फोकस राजनीति का एमएलए लेवल पे होता है, मगर मेरी सोच है कि शायद जो लोकल बॉडी के लोग हैं वो ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हैं लोगों से। गाँव में लोग उसको वोट देते हैं कि जो उनके सदा उनके साथ में रहे, छोटे मोटे काम काज उनके में साथ रहे, उनके लिए वही नेता है। आजकल क्या होता है और पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है, सरकारों को ब्यूरोक्रेसी चलाती है। जी सर, बहुत ठीक है। उन्होंने ठेका ले रखा है, वो जो भी डिसीजन लेना चाहते हैं लेते हैं, और उनसे पावर लेकर नीचे धकेलना है। दूसरी बात, जो प्रधानमंत्री बीमा योजना है वो डायरेक्ट किसान के जेब में से उद्योगपति के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर है। हर स्टेट में मैंने पूछा कि भैया आपने बीमा का पैसा भरा? हाँ भरा। जब नुकसान हुआ, जब आंधी आई तूफान आया, आपको पैसा मिला? एक किसान ने मुझे नहीं कहा कि भैया हमें मिला। सच है, ये सच है। मतलब कहीं भी नहीं मिला, एक किसान को नहीं मिला। जो दुर्घटना बीमा कटता है ना किसान का, तो ऊपर की ऊपर ही उसको पैसे तो ले लेते हैं किसान से, उसका बीमा काटते नहीं है। बाय दी वे 1000 किसानों का बीमा कट गया तो वो तो रख लेते हैं जेब में पैसा, और 1000 में एक दुर्घटना से खत्म हो जाता है, और उसके घरवाले उसके पास जाते हैं ना, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में ये कहा जाता है कि बीमा कटाया ही नहीं था। हम जो योजना लाए थे, ये न्याय योजना जो है, जो हर महीने हिंदुस्तान के गरीब लोगों को 6000 रुपये बैंक अकाउंट में डायरेक्ट डालने के, वैसा कोई ना कोई योजना हमें निकालनी पड़ेगी जिससे किसान के पैरों के नीचे एक फर्श सा बन जाए, जिसके नीचे वो जा ही ना पाए। किसान की समर्थन मूल्य पे जो खरीद होती है और आमदनी दुगुनी करने की बात है, तो समर्थन मूल्य दुगुना कर देना, ये अन्नदाता है ना, मेहनत की कमाई खाता है उससे भी कर लेगा। हमने ये छत्तीसगढ़ में किया है, और उससे क्या होता है, अगर किसान को सही दाम मिलता है पूरे प्रदेश की इकोनॉमी स्टार्ट हो जाती है। किसान की सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ा दुश्मन है आवारा पशु। पूरी रात भर इस ठिठुरती सर्दी में किसान सुबह 5 बजे तक रखवाली करेगा, अब बेचारा पूरे दिन काम करे, रात को रखवाली करे, आधा घंटे सोने चला जाए, 5 मिनट में पूरा खेत साफ कर देंगे। और ये चिरंजीवी योजना कैसी लग रही है? चिरंजीवी योजना शानदार योजना है, सरकार की योजना है। तो सर, ये जो आम लोग हैं, जो गरीब आदमी, जो बेचारे, मेरी कच्ची बस्ती भी है वहाँ पे, तो जो कभी सोच ही नहीं सकते थे कि मैं मेरे एरिया के प्राइवेट हॉस्पिटल में मेरा इलाज करा पाऊंगा, या मेरे बच्चे को कोई बीमारी ज्यादा हो गई, एक्सीडेंट हो गया तो मैं उसका बेहतरीन इलाज करा पाऊंगा। लेकिन अब तो सर कोई भी बड़े से बड़ा हॉस्पिटल, यानी फोर्टिस हॉस्पिटल में भी बिल्कुल 10 लाख रुपए तक का इलाज फ्री है, इससे लोग बहुत ही खुश हैं। इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ना एक सपना सा था गांव के लोगों के लिए, बड़े महानगरों में तो इंग्लिश मीडियम स्कूलें थी। ये मेरी सोच है, देखिए आपको हिंदी पढ़नी है, आपको बंगाली पढ़नी है, आपको लोकल लैंग्वेज पढ़नी है, आप पढ़ो, वो बहुत ज़रूरी है। मगर अगर आप अंग्रेज़ी पढ़ोगे तो आप पूरी दुनिया में जाकर बात कर सकते हैं। बीजेपी के नेताओं के बच्चे तो पढ़ते हैं अमेरिका में, वो गांव में आके भाषण देते हैं कि हिंदी में और मातृभाषा में पढ़ो। उनका सीधा सा ही गरीब का बच्चा अंग्रेजी पढ़ लेगा तो समझ जाएगा, तो फिर इनके नफरत के झंडे कौन रोकेगा, इनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। मेरा कहना है, मेरी सोच है कि जो हमारे पंचायती राज के लोग हैं उनके साथ पार्टी का रिश्ता होना चाहिए, मतलब परिवार जैसा, कि आपको ये फीलिंग लगनी चाहिए कि देखो ये हमारा परिवार है और इसमें हमें मतलब मदद की जाती है और हम आगे बढ़ सकते हैं। और जिस दिन हमने ये पंचायती राज की कड़ी को मजबूत कर दिया, उस दिन कांग्रेस पार्टी को कोई नहीं हरा सकता।